हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज मैंने डिनर में बनाए हैं बैंगन का भरता, क्योंकि जो भी बैंगन नहीं भी खाता होगा ये आज भरता इस तरह से आप बनाएंगे तो ये खाएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले तो मैंने दो बैंगन और दो छोटे छोटे टमाटर लिए, कुछ लहसुन और लहसुन की कली और कुछ हरी मिर्च। तो इसको हमने भूनना है, इसको गैस पर हम भूनेंगे अभी। तो उसी में मैं लहसुन और हरी मिर्च जो है उसको जीरा लगा के थोड़ा सा उसमें डाल दूंगी और उसके बाद गैस पे हम इसको सेक लेंगे। जब आप बैंगन सेकोगे तो उसमें हल्का सा तेल लगा दीजिएगा, तेल लगाएंगे तो जल्दी से उसको अच्छे से हम छील पाएंगे। तो ये हमारे बैंगन टमाटर सिक गया है, देखिए कितना अच्छे से भून चुका है। तो इसको अब हम इसको बैंगन को छील के और टमाटर को भी छीलिएगा। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हो एक, लेकिन मैंने नहीं किया है, आज मैं बिल्कुल अलग तरह से बना रही हूँ। तो इसके लिए टमाटर ओ छील लिया है। आपके बच्चे भी अगर बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं करते तो ये भरता उनको बैंगन का भरता दे दीजिए, वो ज़रूर खाएंगे। और इसको मैशर से आप अच्छे से मैश कर लीजिएगा तो ये एक जैसा बन जाएगा। उसके बाद आप इसको प्याज के साथ अभी फ्राई करेंगे। पहले मैंने प्याज काट ली, दो छोटे छोटे प्याज लिए थे। प्याज को हम ध्यान दें कि जितना हो सके उतना हमें प्याज बारीक काटना है, बारीक प्याज काटेंगे। इधर पैन में ऑयल डाल देंगे और ऑयल में अभी हम जीरा ऐड करके उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद उसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, तो इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला के बस, और ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ें। इसमें हम मैश करके रखा हुआ बैंगन टमाटर का जो मिक्स था उसको हमने करना है। और लास्ट में उसमें नमक डाल के हरा धनिया से गार्निश करिएगा। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा और ट्राई ज़रूर करना, तब मुझे कमेंट करना। बाय।